subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. एक और एग्जांपल देखते हैं हम. इफ अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स. अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस पर है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो हमें ये प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल है उसका एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा, उसका हाफ होगा. ठीक है, सो इसके लिए एक फिगर कंसिडर कीजिए. इसमें यू कैन सी ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ए पी बी एक ट्रायंगल है जो कि सेम बेस ए बी पर है और दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, ए बी और सी पी या फिर पी सी. ठीक है, सो लेट ट्रायंगल ए बी पी एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी बी ऑन द सेम बेस ए बी, सेम बेस पर है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है ए बी और पी सी के. हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल PAB का एरिया हाफ है पैरेललोग्राम ABCD के एरिया का. सो इसके लिए हमने क्या किया, BQ बना ली AP के पैरेलल. ये लाइन हमने ड्रॉ की BQ जो कि AP के पैरेलल है. अब हमारे पास दो पैरेललोग्राम्स आ गए, ABQP और ABCD. ABCD तो पहले से ही था, ABQP न्यू आ गया हमारे पास. इनमें भी सेम बेस है ए बी और सेम पैरेलल लाइंस है ए बी और पी सी. सो इसकी वजह से इन दोनों के एरिया इक्वल हो गए बाय द थ्योरम. इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया. लेकिन पी ए बी और बी क्यू बी के जो ट्राइंगल्स हैं उनका वो कॉन्ग्रुएंट है. आप पी ए बी एंड बी क्यू सी, ये जो ट्रायंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट BQP. ठीक है, ये ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है. क्यों? क्योंकि डायंगल PB जो है वो पैरेललोग्राम ABQP को तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए. सो इन दोनों के एरियाज भी इक्वल हो गए. सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ PAB ABQP का हाफ होगा. और क्योंकि ABQP ABCD के इक्वल है तो PAB का एरिया ABCD के भी हाफ होगा. सो इसी से ये प्रूव होता है कि अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस पर हो, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो, तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा.